अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों मैं सतीश एक्सप्रेस के दो पर्सन वाले कैबिन में मौजूद हूँ। एसी स्लीपर के दो पर्सन वाले कैबिन है, ये देखें नीचे वाली बात है, इसके अलावा ये उसके ऊपर वाली बात है। ये बात जो है ये फ्लेक्सिबल है, इसको आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि ये ऊपर वाली बात से आप ओपन करके इसमें जो है आप सो सकते हैं। एसी स्लीपर ये दो पर्सन वाले कैबिन में आप लोग सिटिंग प्लेस में अगर आप बैठ जाएँ तो तीन बंदे अलाउ हैं। अगर आपके पास दो बंदों की बुकिंग है तो आपके पास एक बच्चा या कोई रिलेटिव वो आना चाहता है, उसे कहें कि इकानमी का टिकट ओपन टिकट ले आए। ओपन टिकट वो होता है कि आप जब गाड़ी चलने लगती है उस टाइम आपको मिलता है, और उस टाइम आप ले लें और गाड़ी में आ जाएँ और गार्ड साहब से कहें हमें जो है इसे स्लीपर कन्वर्ट कर दें और हम जो है इसमें आराम से सफ़र कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन थर्ड बंदे की जो है इसमें रिजर्वेशन नहीं होगी, वो आपके साथ एडजस्ट होगा, बुकिंग जो है वो सिर्फ आपकी दो बंदों की। ये भी आप दोस्तों देखें कि ये भी दो पर्सन वाला कैबिन है, इसमें नीचे वाली बात है, इसके ऊपर है, इसके अटैच टॉयलेट भी है, सामने टेबल है। इसमें आप देखें कि यहाँ पे LCD थी वो उतार दी गई है, यहाँ पे बटन पंखे के लिए बेल बटन भी है। और इसके बाद ये देखें ना, ये स्लीपिंग के लिए दो बंदे के लिए है, दो बंदे के लिए, लेकिन इसमें सिटिंग प्लेस में तीन बंदे बैठ सकते हैं अगर आपके पास बच्चा है या कोई रिलेटिव है या कोई अजीज़ है। और दो बंदों की आप बुकिंग करवा लें, तीसरे बंदे को कहें कि वो ओपन टिकट लेकर जब गाड़ी चलेगी तब आप ओपन टिकट ले सकते हैं, वो एडवांस में आप नहीं ले सकते। इसका किराया जो है वो 9,000 रुपये है एक बंदे का, और हाफ टिकट जो है वो इसका 45 है, वो बच्चों के लिए। इसमें देखें साइड लाइट्स भी लगी हैं, इसके अलावा जो है वो साउंड वगैरह के लिए पैनल लगे हुए थे लेकिन अब वो उसमें नहीं चल रहे। इसमें पंखा है, लाइट है, और ये सामने जो है इसको सामान रखने का बनाया गया स्टैंड बनाया, बेहतरीन साफ सुथरा जो है कैबिन है, LCD उतार ली गई है। ये एसी स्लीपर ससीर एक्सप्रेस का चार बंदों वाला कैबिन है, फोर पर्सन वाला कैबिन। इसमें नीचे वाली बर्थ है, इसमें आप ऊपर वाली बर्थ है, इसको आप बैठना चाहें तो ये तीन बंदे जो है इसमें देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक इधर आप पास और यहाँ बैठ सकते हैं। मतलब सिटिंग में ये छः बंदों के लिए कैबिन है, जैसे कि यहाँ मेंशन भी है, और इसमें जो यहाँ पे देखें लाइट्स, तो यहाँ पे ये सामान के लिए जगह बनाया। अब ये चार वाला कैबिन है, जो चाइना की कोचें हैं उसमें साइडों पे चार पर्सन वाला कैबिन है जबकि अंदर वाली साइड पे दो वाले हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी मेड हैं उसमें साइडों पे दो वाले पर्सन वाले कैबिन हैं और सेंटर में चार वाला। अब इसमें देखें ये नीचे वाली बर्थ है और उसके ऊपर ये सेकंड बर्थ है, इसको आप ओपन कर सकते हैं। अब आपकी बुकिंग जो है वो चार पर्सन की होगी, लेकिन दो बंदे जो है अगर आपके पास ओपन टिकट पे ले आएँ इकानमी उनके पास टिकट ले लें ताकि वो फाइन जुर्माने से बच जाएँ। अगर आप टिकट गाड़ी के अंदर बनवाएंगे तो आपको जुर्माना होगा, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ओपन टिकट मतलब ये है कि आप इकानमी क्लास का टिकट ले आएँ, वो आपको ऐसे स्लीपर का टिकट ओपन नहीं देंगे, उसमें आपका इकानमी क्लास का टिकट होगा, तो वो आप जो है गार्ड साहब को कह के वो आपको कन्वर्ट कर देगा और फिर आप जो है उसको आसानी से सफ़र इसमें कर सकते हैं। ये देखें इसके वाशरूम अटैच है, इसमें छः बंदे आराम से सफ़र कर सकते हैं। सामान रखने के लिए काफ़ी जगह है इसमें। तो सही, पाकिस्तान रेलवे की सबसे महंगी गाड़ी और महंगा जो है एसी स्लीपर है, 9,000 रुपये एक बंदे का किराया है रावलपिंडी से कराची के लिए। और अगर आप फैसलाबाद से सफ़र करेंगे तो कम से कम इसका 7,200 रुपये किराया है, 7,200 रुपीज़ पर अडल्ट पर्सन की जो है वो किराया है। और इसमें मज़े की बात यह है कि खाना और कुछ चीज़ भी जो है वो रेलवे प्रोवाइड नहीं कर रहा, सब कुछ जो है आपको अपना लाना पड़ेगा कोरोना की वजह से। इसके नीचे ये देखें आपके डस्टबिन है और यहाँ पे लाइट्स वगैरह बटन है, यहाँ पे बेल आइकन भी आप वहाँ पे देख रहे हैं। अगर कोई भी काम हो गाड़ी के अंदर हमेशा आप जो है गार्ड से रब्ता करें, कंडक्टर गार्ड साहब को अपनी प्रॉब्लम बताएं, अगर वाशरूम में पानी ख़त्म हो जाता है तब भी।
वालेकुम दोस्तों। दोस्तों ये आपको बताते हैं कि ये सर सीट एक्सप्रेस का एसी स्लीपर के चार पन्नों वाला कैबिन है। इसमें देखें, ये सामने नीचे वाली बर्थ है, इसके ऊपर भी सेकंड बर्थ जो है वो तक टांगी है। इसके बाद साथ आप देख रहे हैं कि ये अटैच टॉयलेट है, लेकिन साफ सुथरा हर चीज़, इसमें पानी भी है, लोटा भी है। इसके बाद आप देखें कि इस ये सामने वाली जो है वो बर्थ है, इसकी नीचे वाली और इसकी जो ऊपर बर्थ है। अब सर सीट एक्सप्रेस जो है ये रावलपिंडी से कराची के दरमियान चलती है। इसका किराया जो है रावलपिंडी से कराची जो है 9,000 रुपये एक बंदे के तक है। ये देखें सामने इसका मोबाइल चार्जिंग पॉइंट लगे हुए पंखे का भी है, लाइट का स्विच है। ये पुराना जो है ये डब्बा इसके साथ आए लगा दिया गया पाकिस्तानी, ठीक है। इसका जो है एक महीने का किराया 9,000 रुपये है। ये आप देखें कि ये चार वाला कैब है, इसमें देखें बहुत ज़बरदस्त साफ सुथरा कुशादा जगह। ये सामने देखें इसके हैंगर भी लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई आप कपड़े वगैरह टांगना चाहते हैं या यहाँ पे आप सामान भी रख सकते हैं। अब मज़े की बात ये है कि ये चार पर्सन वाला कैबिन है, लेकिन इसमें अगर आपके पास 6 बंदे भी हों वो सिटिंग में जा सकते हैं, लेकिन आपकी जो बुकिंग होगी वो 4 बंदों की होगी। और आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उनका इकानमी टिकट लें 2 बंदों का और गार्ड साहब को कहें कि हम यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे 6 बंदे, और वो आपकी जो टिकट है इकानमी से एसी स्लीपर की बना देंगे और आपको जो है उसमें अलाउ कर देंगे। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप लोग आपस में एडजस्ट हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हैं और एसी स्लीपर में जाना चाहते हैं, आप इसमें जा सकते हैं। सर सीट एक्सप्रेस जो है ये रावलपिंडी से कराची वाया फैसलाबाद जाती है। फैसलाबाद से जो एसी स्लीपर का किराया है वो 7,200 रुपये एक बंदे का। लेकिन ये पुराना एसी स्लीपर का डब्बा लगाया गया है, शायद कुछ डैमेज हो गया होगा। इसको आप इसको खोल के आगे कर सकते हैं। ये देखें अब ये कितनी कुशादा हो गई है, ये पूरे बेड की तरह। और अगर आप कोई लेटना हो तो आप इसको खोल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको जो है बैठना चाहते हैं दिन के टाइम तो आप इसको आगे कर दें और ये एडजस्ट हो जाएगी। ये आपका एसी स्लीपर 4 पर्सन वाला कैबिन है सर सीट एक्सप्रेस। ये आप अंदर से जो है इसको लॉक कर सकते हैं आराम से, इसको कूलिंग भी अच्छी है। इसमें देखिए ये कैबिन होते हैं साइडों वाले जो हैं दो वाले हैं, और जो सेंटर वाले हैं ये 4 के कैबिन होते हैं। इसकी नंबरिंग जो है ये आप देख सकते हैं A, B है, और इसी तरह के C, D और F, G है।